बहुत शुक्रिया जनाबे कारी सैफुल्ला अतारी कादरी साहब को आपने बड़े अदब से समाज सुनाया। मरकजी नात कौंसिल के अब आपको एक बार फिर मैं शबे वजदान की अब आपकी तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बिलखसूस जनाब ख्वाजा शेर अहमद साहब अलहाज मलिक मोहम्मद आयाज साहेब और हाजी अब्दुलरहमान जरगर साहेब मलिक मोहम्मद तारिक और हाजी मोहम्मद आयाज साहेब उनकी पूरी टीम इन दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं। अगर एक एक का नाम लूँगा पहले भी ले चुका हूँ न जाने रात भेजी आए जी जी मैं सारा कुछ सुनाऊँगा जी आज इंशाल्लाह। मरकजी नात कौंसिल के सदर जनाबे चौधरी खालिद इकबाल मुसर्रत साहेब मोहम्मद खानावान शेख शेर साहेब चौधरी इरफान बाजवा साहेब हाजी सनाउल्ला साहेब हमारे अजीम मुहिब मदीना अलहाज मलिक मोहम्मद हयात साहब की तरफ से एक खूबसूरत गिफ्ट है तोहफा है वो जनाबे चौधरी खालिद इकबाल मुसर्रत साहब के लिए वहाँ से गुजारिश करता हूँ जो सबसे कि वो तशरीफ लाएँ और हाजी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि हजरत पीर तरीकत फख्र सदात पीर सैयद मोहम्मद असगर अली शाह साहब की लानी दामत बरकात कुर्सिया की वसादत से यह तोहफा जो है वो हाजी साहब अल्लाह के लिए चौधरी साहब के लिए चौधरी खालिद इकबाल मुसर्रत साहब को ये खूबसूरत तोहफा पेश किया जा रहा है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको दारायण की खुशियाँ अता फरमाए और आपको शफाए कुली अता फरमाए और आपकी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि आपने जो मन में ये खूबसूरत तोहफ़ा रखी है उम्मीद रखी है कि आपका कारीन का जिक्र सिला सिलगोदा की गली गली में सजेगा तो इंशाल्लाह ये सजता रहेगा। ऐसा मैं आपके लिए दुआ हूँ आप अल्लाह ताला को मजीद मिला बीमार करबला का सदका शिफा कुली अता फरमाए। हजरत ज़ीबाकार बहुत ही जी अच्छा ठीक है सारा कुछ पढ़ेंगे आज। मैं एक ऐसे खुश नसीब साथी का नाम आज माइक पर इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि महफिल ना सजाने वाले को मिलता क्या है, तो एक ऐसी शख्सियत अक्सर इश्तहारों में जिसका नाम दर्ज होता है कि वो ऑर्गेनाइजर हैं महफिल पाक के, वो महफिल को सजाते हैं ऑर्गेनाइजर हैं, उनमें जनाब असगर अली भट्टी साहब का बड़ा आला किरदार होता है। तो आज इस महफिल में ये ऐलान ज़रूरी समझता हूँ करना इमरान भाई बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ ये ऐलान करना आपकी वसात से डांस साउंड सिस्टम की वसात से ये ऐलान ज़रूरी हो रहा है कि असगर अली भट्टी साहब के लिए एक उम्र के टिकट का एहतमाम किया गया। उस खुश नसीब साथी ने मना फरमाया कि मेरा नाम अनाउंस नहीं करना कि माइक पर नाम बोला जाए, लेकिन मैं असगर अली भट्टी साहब अगर मौजूद हैं जी असगर अली भट्टी साहब एक दस्तार लाएं जी शाह साहब को पेश करें और वो इनके गले में डालें ताकि ये नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया कह दीजिए सुभान अल्लाह फिर कहिए सुभान अल्लाह स्टेज पर बैठने वाले आवाम को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। अभी इंशाल्लाह दो तीन ऐलान मेरे तक पहुँचे हैं वो मैं करता चलूँ। 21 सितंबर को रोज़ हफ्ता या रसूलल्लाह के उनवान से सुनी कॉन्फ्रेंस मेन रोड मकाम हयात जो हजरत अलामा मौलाना गुलाम मुस्तफा शाकर साहेब खसूसी बयान फरमाएंगे अलामा खादम
हुसैन खुर्शीद अल-नज़री साहब शिरकत करके सवाब दारत हासिल फरमाए। आज की महफिल में अगला ऐलान 1 अक्टूबर को फेरा श्री में कुल पाकिस्तान महफिल नाम जिसमें अलहाज शबाब कमर फरीदी साहब, कारी शाहिद महमूद कादरी साहब, उस्मान सिद्दीक साहब और भी नाथ हजरात शिरकत करेंगे। आप शिरकत करके सवाब दारत हासिल फरमाए। आज की रात एक बार सुभान अल्लाह कह के सवाब एक कलाम के लिए मुझे शिरकत से हुक्म है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ूं, वरना मैं बिला तहकीर दावा देने का आदी भी हूं। इंशाल्लाह मेरे बाद अलहाज शहजादी मदरसा पढ़ेंगे। अपनी मर्जी से एक जुमला चेंज आ रहा है तो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। मेरे मालिक ने हजरत मूसा से फरमाया, प्यारे मूसा जी मौला वो गंदगी का ढेर है उसमें मेरा एक यार है, उसको उठाओ नहलाओ कफन पहनाओ और दफनाओ। जनाबे मूसा उस मैयत के करीब जाते हैं, उठाने लगे लोगों ने हाथ रोका, प्यारे मूसा इसको मत उठाइए। फरमाने लगे क्यों, कहते ये यार है मकार है जिसके सीने में ठंड पड़ गई, पहले से लेकर नीचे तक। अगर जिसको नाम है मोहम्मद से जितना प्यार है उतनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलेंगे, जितना प्यार है सुभान अल्लाह कहिए जरा सुभान अल्लाह। कोई तकाजा नहीं, कोई दिमाग नहीं, क्योंकि रिस्क देते हैं माल देते हैं हसरत दिल शादी पर कदमा जा रिस्क देते हैं मुझको तो लहरा के लाल देते। जिसका यह किया है अच्छे से निकल नीचे तक, जिसको सैयदा ज़हरा के लाल जितना देते हैं उतनी मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुझे प्यारे तोरे नामे चूम के आँखों से लगाया, अब मेरे मोहम्मद के नाम को चूमने वाला गंदगी के ढेर पे पड़ा रहे। उठाओ नहलाओ कफन पहनाओ, उसके बाद जनाजा पढ़ने से कबल ऐलान फरमाओ, हजरात जो इसका जनाजा पड़ेगा वो जन्नती होगा। इस मैंने इसी में एक जुमला आपके हवाले और करना है, सिर्फ सुभान अल्लाह। मुझे ख्वाजा साहब कहने लगे रोड़ियां मरिंडे वाले बाहर भेजो। मैं क्या जी क्यों, कहते सुबहान लड़ गई है। मैं क्या ख्वाजा साहब बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह मरूंडा भी खान गए तो सुबहान लड़ भी खाएंगे। मैं इन्हों का कारोबार बंद नहीं करना चाहता, लेकिन तवज्जो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद। जरा बाबे आदम का पुत्र आज जाके बोल, जे
ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਮਹਾਵਤ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ 10 ਵਾਰ ਦੁਰੂਦ ਪੜਾ ਜਨਾਬੀ ਆਦਮ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਮੈਂ ਅਦਾ ਹੁਆ ਤੂੰ ਜੰਨਤੀ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ 10 ਵਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੇ ਦੁਰੂਦ ਪੜਾ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਗਈ ਔਲਾਦ ਆਦਮ ਕੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ सैयदा फातिमा तुज़हरा सुभान अल्लाह अपनी मां की शान आए तो मैंने लोगों को रोते भी देखा है हाथ उठा भी नहीं देखा है मैंने हसनैन की अम्मी का नाम लिया है अगर चाचा है मेरी मां जल्दी हो जाए सैयदा कायनात के नाम पर एक बार हाथ बुलंद करके इतनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल पता लग जाए सैयदा ज़हरा के नाम पर बैठे असेज वाले भी जनाबे मोहतरम मकाम जी मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी तरफ से फकीर के लिए तोहफा है मैं उनका शुक्रिया अलहाज शदादनी मदनी साहब तशरीफ लाए हैं दिल की अथा गहराइयों से खुशामदेद कहूँगा सैयदा ज़हरा के नाम से वाकफियत है ये वो बीबी है जब भी आती थी हजूर खड़े हो जाया करते थे करीम का पूरा जिसमें नबूवत जिस बीबी के लिए खड़ा हो जाए उसको सैयदा ज़हरा कहते हैं तेरा हाथ खड़ा नहीं हो सकता मेरे भाई बस अगला जुमला सुन हाफिज साहब को सुनते हैं फिर रात बाकी है तेरी मेरी मुलाकात बाकी है क्यामत वाले दिन भी ज़हरा के बाबा की नात बाकी है जुमला दे रहा सैयदा ज़हरा का निकाह मेरे नबी ने फरमाया बेटी जी बाबा अली दुल्हा बन के आ गया इतने मिसकाल हक में अली कबूल अली कबूल अली कबूल बाबा अली कबूल हक में छोटा है आकर फरमाया बेटी आपको पता है अली के लिए अल्लाह ने मुझसे तेरा रिश्ता मांगा सुभान अल्लाह बोलना 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 अपनी माँ की शान पर हाथ उठाकर धमाल में डालने वालों हसनैन की अम्मी की शान में फकीर एक जुमला देकर आगे बढ़ना चाहता है मेरे नबी ने फरमाया बेटी अल्लाह ने अली के लिए आपका रिश्ता मांगा बाबा इजाजत दे जो अली के लिए मेरा रिश्ता मांगता है हक मेर भी उससे मांगू अल्लाह फरमाता है सैयदा ज़हरा से बोले अली को कबूल करें हक मेर में जो मांगेगी अता कर दूंगा विजदान किस चीज का नाम है अभी पता चल जाएगा स्टेज लेकर नीचे तक जिसके सीने में मजद आएगा वो जुमला सुनने के बाद बोलेगा सैयदा ज़हरा से आका ने फरमाया बेटी अल्लाह का पैगाम आया है मांग क्या मांगती है मखदूम है कायनात सर से के में रखा अल्लाह अली कबूल 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 वादा कर हक मेर में मेरे बाबा की उम्मत जन्नत में चली जाए अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जल्दी जा मैं रब होके वादा कर रहा हूँ मेरे मुस्तफा से बोल सैयदा ज़हरा से बोले अली को कबूल करे हक मेर में आपकी उम्मत जन्नत में चली जाएगी अब आ जाए बाकी बैठ जाए भाई बाकी बैठ जाओ छोटे डर जाओ डर जाओ डर जाओ अदब अदब मौलवी साहब और मौलवी साहब उसी बैठ जाओ तीन मिसरे जन्नती होने के नाते दोस्त ही नहीं मैं जन्नती हाँ मैं सोने का उम्मती जिस बंदे नु माने मैं सबों ज्यादा बड़ा बड़ा आराम हाँ मैं क्यों बोला उन्हें बोले जो आखे मैं जट्ट बट्ट आ रही हाँ मैं कुछ नहीं हाँ उन्हें बोले जिस बंदे का कीदा कि मेरी भी मुरब्बे जमीन है अगर मैं हाथ चा लिया लोग की आखिरगे वो भी ना बोले बोले ओ जिसका ईमान है सारा कुछ ज़हरा दे बाबे का सदका है
स्टेज तो मैं बंदा लगा हाजिर याद साहब जितो भी आयो मेरे तो कोई आसान नहीं मेरे तो कोई आसान नहीं हाथों ने जाने जिसका ईमान है अपनी पार्टी के नारे लाए तेन शर्म ना आए नबी पाक का उम्मती होने का नारा ला दिया शर्म क्यों आए हाथ उठा के जुमला बोल दोष भी नहीं मैं चढ़ती बंदा बोलेगा जिसकी दिल की कोठी से लिखियाली हो about
याद रखे बगैर उम्र के टिकट, और ऐसा इज्तिमा कोई उम्र का टिकट नहीं, इसके बावजूद इतना इज्तिमा का आना जी तो चाहता है। एक एक बंदे को खड़ा करके, जो छोटा है उसके हाथों का बोसा लूं, जो बड़ा है उसके कदमों का बोसा लूं। इसलिए क्या कहा कि जिक्र में आए हो, दावत है, राशि दे रहा आलम सलाम की अजीम खूबसूरत आवाज अलहाज मोहम्मद शहजाद हनीफ मदनी साहब आल मारूफ मदनी बाबा लाहौर से तशरीफ लाए हमारे मेहमान सना खान। नारा लगाइएगा जसारत अल नबी कर दी कि मदनी नौजवान है तो इंशाल्लाह ठीक नौजवान है, लेकिन इज्जत के बराबर ऐसे है कि बाबों के बराबर चला गया है। मैंने इज्जत और मकाम की बात की है, फिर बोल सीने से आवाज आए क्या सारा दाल नबी सबे विजदान सबे विजदान सबे विजदान हर सीने से आवाज हर सीने से आवाज वजदान में फजत पैदा करेंगे अपने रंग में अलहाज मोहम्मद शहजाद अली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। दोनों हाथ उठा के अस्सलामुअलैकुम का जवाब दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद लुत्फ करम कि आज की रात में सैयद आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की इस शानदार अजीम शान और अर्ज़ बरे वतन वतन पाकिस्तान की मरकजी महाफिल में से एक महाफिल महफिल जिसमें हम सब हाजिर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आके करीम इस्लाम के सदके आज की इस महफिल को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अलहाज मलिक मोहम्मद हयात साहब और इनकी बज़्म का हर रुकन जिसने इस खूबसूरत शानदार महफिल को सजा रखा है, अल्लाह करीम इनके घर बार को सजाए। लब्बैक फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह। क्या खूबसूरत भाई रिजवी साहब ने वो नारा जो सहाबा कराम का नारा था वो मुझे और आपको याद करा कर ये याद कराया है कि अपने अकीदे के लोग हमेशा अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में यही कहते हैं लब्बैक गज के कहो या रसूल अल्लाह लब्बैक।
माशाल्लाह अल्लाह करीम इन सदाओं का सबका मुझे आपको हर मैन शरीफ की बादत बार बार हाजिर नसीब फरमाए। दुरूद पाक का नजराना जरा साथ ऊंची आवाज के साथ पेश कीजिए आवाज सल्लल्लाहु अलैहि कायम कर रखा है। आज फिर शबे जुमा है, मेरा दिल चाह रहा है मेरी तरफ से भी, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे जवानों की तरफ से, मेरे बुजुर्गों की तरफ से भी उसी अंदाज के साथ स्टेज वालों आप भी मिलकर हदीये दरूद और सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है। करेंगे कौन कौन हाथ उठाए जो पड़ेगा, जो पड़ेगा दोनों हाथ बुलंद करें। Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa Allahumma salli ala sayyidina
से सैयदा मुंह तको चेहरा तको मुखड़ा तको फिर शेर सुनो कि तेरी नस्ले पाक में हाथ उठा के जरा तू है नूर तेरा सफर कराना चोलियां मोरा दानल पर सोनिया
है कि चोली पर जाए, जरा दीवाने की नफले शर्माना नहीं, हाथ उठा के बुलंद रखो जरा। चोलियां मोरा दानन पर सोनिया, अल्लाह 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 कर सोनिया, चोलियां मोरा दानन पर सोनिया, अल्लाह 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 कर सोनिया, चोलियां मोरा दानन पर सोनिया, अल्लाह 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 कर सोनिया, अल्लाह अल्लाह I'm
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब चमका दे
कही जा रही है ख्वाजा नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई नात, और मेरे मेरी और रिजवी साहब की मैं समझता हूँ कि एक एक मिश्रा जो है ना दिल पे टच करता है, छू जाता है। Let's go.
तौसीफ फरमाइशें की जा रही हैं। मैं हाथ बांध कर कहूँगा, मुझे वक्त नहीं पता, लेकिन मेरे टाइम के मुताबिक ये मेरी आखिरी इस महफिल की आखिरी नातिया कलाम, मिलाद का कलाम, हुजूर की शान का कलाम, हुजूर के वस्फ का कलाम, हुस्ने मुस्तफा का कलाम जो मैं पेश करने लगा हूँ। जितना जोर है लगाओ बोलो, कीते रहो,
को तसव्वुर में ला के बोलो Thank you.
सब मिले लेकिन ये फकीरी लाइन जितों मिली है
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਰਾ ਸੱਚਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਨਾ ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਟੇ ਉੱਤੇ ਲੋਈ जीते लड़े अरे असी लगे ओदे बरदाना कोई ओदे बरदाना कोई ओदे बरदाना कोई उनकी शान की वजह से मेरी बात है लेकिन जहाँ भी ये मिसरा पड़ा है सरकार के गुलाम उठकर खड़े हो गए हैं और कहने लगे हैं सुभान अल्लाह आका तेरिया गज के मदीने वाले तेरिया जाते
बहुत अच्छे बेटे शाह Thank you.